मॉर्निंग बच्चों, आई होप यू ऑल आर फाइन। वेरी गुड। हिंदी में मैंने आप लोगों को दो मात्रा के, दो वर्णों वाले बिना मात्रा के शब्द करवाए थे। आइए एक बार इसकी रिवीजन करते हैं। क्या है ये? ज ग जग, ग ज गज, आ ग आग, ब स बस, ट ब टब, व का वक, र था रथ। अंतिम अक्षर देख करके उसकी ध्वनि को पहचान करके हमने ये वर्ण पढ़ने हैं। जैसे र वर्ण के अंत में र आ रहा है ना, इसमें तो घारा घर, पारा पर, कारा कर, डारा डर और नारा नर। ऐसे लास्ट में ब, कब कब, ताबा तब, सबा सब, जबा जब, ताबा तब, जाला जल, काला कल, फाला फल, नाला नल, खाला हल। नवण से धाना धन, माना मन, थाना थन, ताना थन तन, फाना फन, दासा दस, रासा रस, डासा डस, नासा नस, बासा बस, कामा कम, दामा दम, हामा हम, नामा नम, तामा तम। इसके बाद देखिए, खाता खत, लाता लत, शाता शत, छाता छत, माता मत, वाका वक, शाका शक, ताका तक, छाका छक, ढाका ढक, नागा नग, पागा पग, मागा मग, खागा खग, जागा जग। जवान से साजा सज, भाजा भज, बाजा गज, ताजा तज, धाजा भज, पाढ़ा पढ़, बाढ़ा बढ़, माढ़ा मढ़, गाढ़ा गढ़ और चाढ़ा चढ़। आप सभी ने इसको अच्छे से रीड करना है और इसमें से कोई भी 10 शब्द याद करके यहाँ पर लिखने हैं। कोई भी 10 शब्द आप लिख सकते हैं। जैसे कोई भी 10 शब्द इनमें से याद कर ली, जैसे घारा घर, ऐसे नाला नल, चाला चल, फाला फल, बासा बस, ताबा तब, राथा रथ, जागा जग, काबा कब, थाना थन। मैम को ये वाले याद थे इसलिए मैम ने वो वाले लिख लिए। अब आपको जो याद है आप वो लिखेंगे। जरूरी नहीं है कि आपको यही लिखने हैं। जो आपको लर्न हो जाए आप उन्हीं 10 शब्द को हिंदी की कॉपी में अपना लिखेंगे और पूरा वन पेज करके रखेंगे। 10 शब्दों से पूरा पेज हो जाएगा आपका। ऊपर हेडिंग डालेंगे दो अक्षर के 10 शब्द और उसके बाद जो शब्द आपको याद हो उनको आपने लिखना है। ठीक है बच्चों, इसके बाद है हमारा मैथ का। मैथ में हम क्या करेंगे? मैथ में हमने 200 तक काउंटिंग कर ली थी। आप लोगों को मैंने वर्कशीट आज भेजी थी, आप लोगों ने उसका भी काम कर लिया होगा। ठीक है, तो आज हम आपको नंबर नेम कराएंगे। आज हम नंबर नेम से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? वन। ये हमारा क्या है? नंबर वन। तो आपने इसको लिखना है ओ एन ई। क्या है ये? वन। ओ एन ई वन, ओ एन ई वन। टू की क्या होती है? टी डब्ल्यू ओ टू। टू की क्या होती है? टी डब्ल्यू ओ टू। आपने वन पेज यानी पूरी लाइन एक वन की लिखनी है और एक टू की लिखनी है। एक पेज को हाफ कर लेना, एक तरफ आपने वन की स्पेलिंग लिखनी है और एक तरफ आपने टू की स्पेलिंग लिखकर उसको याद करना है। मैथ की कॉपी में करना है बच्चों ये काम। ठीक है, इसके बाद हमने इंग्लिश में क्या किया था?
इंग्लिश में मैंने आपको एन तक अल्फाबेट करा दिए हैं स्मॉल लेटर, आज हम उससे आगे करेंगे। आज हम सीखेंगे ओ फॉर ऑरेंज। क्या है ये? ओ फॉर ऑरेंज। बीच की दो लाइनों में बनता है ओ फॉर ऑरेंज और नीचे की तीन लाइनों में बनेगा पी फॉर पैरेट। क्या है ये? पी फॉर पैरेट। ये आप सभी को अपनी कॉपी में करना है, ओ फॉर ऑरेंज और पी फॉर पैरेट। एक तरफ आप ओ फॉर ऑरेंज लिखेंगे और एक तरफ पी फॉर पैरेट। एक बार लिखना है, मैंने दो बार लिखा, आप एक बार लिखेंगे ओ फॉर ऑरेंज और पी फॉर पैरेट और उसको बार बार लिख करके आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम करेंगे माय पिक्चर बुक। फ्रूट्स और वेजिटेबल के नेम आप सभी को लर्न करने हैं। क्या करना है? फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के नेम आप सभी को लर्न करने हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स। क्या है ये? हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल्स क्या होते हैं? जिनको हम अपने घर में रखते हैं, घर में पालते हैं, पालतू जो होते हैं उनको हम डोमेस्टिक एनिमल बोलते हैं। जंगल में जो रहते हैं उनको हम वाइल्ड एनिमल्स बोलते हैं। तो आज हम करेंगे डोमेस्टिक एनिमल। डोमेस्टिक एनिमल कौन सा आता है? सबसे पहले ये किसकी पिक्चर है? रैबिट। रैबिट को हम घर में रखते हैं ना। डॉग, डॉग भी हमारा डोमेस्टिक एनिमल है। डंकी, ये क्या है? डंकी। ये क्या है? बफेलो, भैंस। ठीक है, काओ, ऑक्स, गॉट, काओ, कैट, हॉर्स, शीप और कैमल। एक बार फिर देखिए, रैबिट, डॉग, डंकी, बफेलो, ऑक्स, हॉर्स, गॉट, काओ, कैट, शीप, कैमल। आपने इसको ओरली लर्न करना है। हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स कौन से होते हैं? मैं आपसे पूछूंगी हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स कौन से होते हैं तो आप बताएंगे, मैं फाइव पूछूंगी तो आप फाइव बताएंगे, मैं टू पूछूंगी तो आप टू बताएंगे। आपको इसको ओरल लर्न करना है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये मैं आपसे पूछ रही हूँ अभी। ठीक है, विच एनिमल कैरीज द लोड। इसमें से कौन सा एनिमल भार उठाता है, वजन उठाता है? तो कौन सा एनिमल है वो? डंकी। कौन सा एनिमल है वो? डंकी। ठीक है, इसके बाद विच एनिमल गिव्स अस मिल्क। कौन सा एनिमल हमें दूध देता है? काओ हमें दूध देती है, बफेलो भी हमें दूध देती है, लेकिन हम काओ को लर्न करेंगे, काओ हमें दूध देती है। ठीक है, विच एनिमल गिव्स अस वूल। कौन सा एनिमल हमें वूल देता है, ऊन किससे मिलती है? शीप। वूल हमें कौन सा एनिमल देता है? शीप। विच एनिमल कैचेस द माउस इन अवर हाउस। कौन सा एनिमल हमारे घर में चूहों को पकड़ लेता है? बताओ कौन सा एनिमल हमारे घर में चूहे पकड़ता है? आपको पता होगा ना, कैट। कैट हमारे घर से रैट को ले जाती है, तो यानी वो चूहों को पकड़ लेती है। कौन सा एनिमल कैच करता है रैट्स को? कैट। समझ आ गया सभी बच्चों को? इसको आपने लर्न करना है। आपने क्या क्या लर्न करना है? फाइव फ्रूट्स नेम, फाइव वेजिटेबल्स नेम एंड फाइव डोमेस्टिक एनिमल्स नेम। आप लोगों को पता होना चाहिए और ये क्वेश्चंस भी, ठीक है, आपको लर्न होने चाहिए। अभी तक हमने कौन सी पोएम करी थी? अभी हमने ये प्रेयर करी थी। ठीक है, कौन सी प्रेयर है ये? गॉड ब्लेस मम्मी, गॉड ब्लेस डैडी। ठीक है, आज हम आपको नई पोएम कराएंगे। आज हमारी इसमें आपको सन में कलर करना है, सभी बच्चे सन में कलर करेंगे। इसके बाद हमारा आता है चूबी चीक्स। चूबी चीक्स, चीक के लिए। ठीक है, चलिए पढ़ेंगे। चूबी चीक्स डिंपल चिन, चूबी चीक्स डिंपल चिन, रोजी लीव्स टीथ विद इन, रोजी लीव्स टीथ विद इन, कर्ली हेयर वेरी फेयर, कर्ली हेयर वेरी फेयर, आईज आर ब्लू लवली टू, आईज आर ब्लू लवली टू, टीचर्स पैट इज दैट यू, टीचर्स पैट इज दैट यू, यस 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 यस। आप लोगों ने ये वाली पोएम लर्न करनी है। ओके बच्चों, सभी को समझ आ गया आज का काम? बाय बाय, हैव अ नाइस डे।